हेलो एवरीवन सीएलसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है आज अपन मिड सेशन टेस्ट सीरीज का फर्स्ट पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के फिजिकल वाले पार्ट को मैं डिस्कस कर रहा हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर और मोल कांसेप्ट को आइए डिस्कस करते हैं अपन फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम क्या दे रखा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम ये बोल रहा है हाइड्रोजन आइटम के सेकंड बोर कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण की आवर्ती क्या होगी अगर अपन टाइम पीरियड के लिए बात करें टू, तो वो होता है तू होता है है पाई और फ्रीक्वेंसी जो वो टाइम पीरियड का जस्ट रिवर्ट होता है तो वी अपॉन टू पाई आर तो ये काम करना चाहिए आपको सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और सेकंड ऑर्बिट की रेडियस की वैल्यू आप अगर आप पुट कर देंगे वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टू पॉइंट कितना है 1, N है बोर ऑर्बिट तो 2 हो जाएगा पाई की की वैल्यू वैल्यू रेडियस टेन डे पॉवर माइनस टेन ये आ जाएगा तो ये, ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स ठीक है, तो ये हो गया 2.186 पॉइंट वन एट सिक्स अपॉन ये हो जाएगा सिक्सटीन इंटू थ्री पॉइंट पावर सिक्सटीन ठीक है अगर इसको अपन ऐसा लिख दे टेन एस पावर फोर्टीन तो यहां पे एक रफली आइडिया बन रहा है 16 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा एट इन थ्री ऑलमोस्ट ट्वेंटी फोर हो जाएगा तो अप्रोक्सिमेट एट पॉइंट में बनना चाहिए तो is the correct answer हो जाएगा इसका नेक्स्ट तो क्या प्रॉब्लम दे रखिए अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फोर फोर्टी एट एम एल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एन टीपी ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस ऑफ डायलूट एच टू एसओ फोर और जिंक का एटॉमिक मास दे रखा है 65 ये कह रहा है जिंक की आवश्यक मात्रा जो तनु H2SO4 के आदि के से अभिक्रिया कर NTP पर 480 448 ml H2 गैस उत्पादित कर सकता है तो रिएक्शन योग्य जिंक की रिएक्शन जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवाएंगे अगर आप तो बनेगा ZnSO4 H2 गैस रिएक्शन बैलेंस है तो मैं ऐसा बोल दू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ और मूल्स का मोल हो गया फोर फोर्टी एट एम एल अपॉन ये लीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास टू इन टू टेन एस दी पॉवर माइनस टू मूल ओके अपन को जिंक का अमाउंट चाहिए तो मास ऑफ जिंक जो आएगा मोल को अगर मास में कन्वर्ट करना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया जाए मोलर मास सिक्स फाइव है तो ये हो जाएगा 1.3 ग्राम ये लीजिएगा सेकंड इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट देखिएगा 6 ग्राम हाइड्रोजन एंड 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वर हीटेड टू प्रोड्यूस वाटर अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस इन द रिएक्शन विल बी ये कह रहा है 6 ग्राम हाइड्रोजन है और 48 ग्राम ऑक्सीजन है इसको जल उत्पादित करने के लिए गर्म किया जाता है तो जल की उत्पादित मात्रा मोल में चाहिए 2H2 O2 कन्वर्ट हो गया 2 टाइम्स H2O अगर मोल की बात करें इनके लिए अमाउंट दे रखा है 6 ग्राम ये 48 ग्राम मोल के लिए बात करें तो इसका 3 मोल हो जाएगा इसका 1.5 मोल हो जाएगा बोथ आर लिमिटिंग रिएजेंट ये भी लिमिटिंग रिएजेंट है ये भी लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा ठीक है तो सिंपल सी बात है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय 2 इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय 2 तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच टू जो आएगा वो एच टू के मोल के बराबर ही आएगा इट मींस थ्री मोल आएगा फोर्थ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा ओके नेक्स्ट देखिएगा इफ ए पार्टिकल ऑफ मास पॉइंट फाइव ग्राम इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ टू हंड्रेड मीटर पर सेकेंड देन दी वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल एक पॉइंट ग्राम का पार्टिकल है दो मीटर पर सेकेंड से गति कर रहा है तो संबंधित तरंग दैर्ध्य देड़ क्या होनी चाहिए इट मीन डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात कर रहा है h अपोन p, h अपोन mv, h एच अपोन रूट टू एम मोमेंटम को आप ये भी लिख सकते हो या h अपोन रूट टू एम चार्ज इन टू वोल्टेज डिफरेंस बी जो फॉर्मूला यूज आ रहा है वेलोसिटी दे रखी है मास दे रखी है इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला काम आएगा लेमडा इज इक्वल टू एच अपोन एम की वैल्यू दे दे रखी है आपको 10 34. में करना है आपको यूनिट में मास करना किलोग्राम वेलोसिटी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सिक्स पॉइंट सिक्स टू फाइव इंटू टेन एस दॉर माइनस थर्टी थ्री मीटर इट इज़ 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 द द करेक्ट आंसर, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉब्लम दे रखा है मैक्सिमम नंबर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मैग्नीशियम मैग्नीशियम एटम हैविंग क्वांटम इक्वल इक्वल टू टू प्लस एंड परमाणु अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी मैग्नीशियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक वन लिखे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 इसका अगर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए यह 1s2 हो गया यह 2s2 हो गया ये 2p6 हो गया ये, ये लीजिए एंड ये 3s2 हो गया ठीक है अब आपको कह रहा है m इज इक्वल टू वन रखना है सबसे पहले अगर अपन बात करें यहां पे s सबसे ले, तो एस के लिए एल की वैल्यू जीरो होती है पी के लिए एल की वैल्यू वन होती है अगर एल की वैल्यू वन होगी तो एम की वैल्यू प्लस वन होगा माइनस वन होगा जीरो, हो तो जीरो हो तो काउंट तो ही नहीं करना है ये तो छोड़ो अब यहां पे एम की वैल्यू यहां पे इसके लिए प्लस वन हो गया इसके लिए माइनस वन हो गया ये जीरो हो गया कैसे भी कंसिडर कर सकते हो प्लस वन माइनस वन जीरो पी जेड के लिए एम की वैल्यू जीरो होनी चाहिए अदरवाइज कुछ भी कंसीडर करे प्लस वन माइनस वन पी एक्स और पी के लिए तो यहाँ पे प्लस वन हो गया एम के लिए ये अब प्लस माइनस हाफ कह रहा है प्लस माइनस हाफ होना चाहिए इट मीन यहाँ पे क्या होना चाहिए दो इलेक्ट्रॉन होंगे दो इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनके लिए एम इक्वल टू वन है और एस इक्वल टू क्या है प्लस माइनस हाफ दोनों है इट मीन थर्ड इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिए 200 ml of M by 4 HNO3 solution was diluted to make it M by 10 HNO3 solution. Volume of H2O needed for the dilution. Dilution के लिए formula अपन को मालूम है कि number of moles of solute constant रहता है तो M into V का multiply constant रहना चाहिए. It means M1 V1 is equal to M2 V2 रहना चाहिए. M1 दे रखा है 1 by 4 200 ml था. Final बनाना है 1 by 10 into V2. तो v2 इट इज इक्वल टू 500 ml ये फाइनल वॉल्यूम आया है इट इज द नॉट वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर आपको चाहिए तो वो होगा v2 माइनस v1 पहले 200 ml था फाइनल 500 ml हो गया तो पानी कितना मिलाया होगा आपने 300 ml पानी मिलाया होगा ये लीजिएगा सेकंड इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट देखिएगा ये कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन अब आपको यहाँ पे लग रहा है कि ऑक्सीजन के एटम फर्स्ट ऑप्शन में लग रहा है कि एटम के लिए 8 बाई 16 कर देना की जब भी बात कर रहा है तो उसका एटॉमिक मास ही कंसीडर करें न कि मोलिकुलर मास अगर आप एटॉमिक मास कंसीडर करते हो तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन है यहाँ पे भी ऑक्सीजन है और जब तीनों का अमाउंट सेम है तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ही होंगे अगर आप चेक भी करना चाहोगे यहाँ पे तो एट बाई थर्टी टू आएगा इट इज द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में एटम कितने होंगे मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई एन वापस देखिएगा आ रहा है पे पे तो तो जब भी अगर एटम के बारे में बात करें तो आपको वहां एटॉमिक मास कंसीडर करे न कि मोलिकुलर मास कंसीडर करना चाहिए ओके okay? तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ नेक्स्ट एटी थ्री नंबर रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ एच ई प्लस आई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया अगर आपको एन चाहिए तो नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट वन प्लस वन करना होता है नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट प्लस वन कर देना चाहिए जिससे एन की वैल्यू आ जाए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो वन प्लस वन इट इज इक्वल टू टू ठीक है रेडियस का फॉर्मूला है जीरो पॉइंट फाइव टू आ जाएगा जीरो पॉइंट 2 का स्क्वायर हीलियम के लिए Z 2 हो गया तो 0.529 को 2 से मल्टीप्लाई करना है इट इस द 1.05 एंगスト्रम फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट 84 ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 4p ऑर्बिटल विल बी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है रूट L इनटू L प्लस 1 हेच अपॉन 2 पाई ये फॉर्मूला ह यह एच बार है सारे ठीक है इसको अपन एच बार भी बोल सकते हैं ये लीजिएगा तो म्यू इज इक्वल टू रूट एल इन टू एल प्लस वन एच बार जो हो गया है उसके लिए आपको एक काम करना चाहिए कि एल की वैल्यू पी के लिए अगर पी ऑर्बिटल है तो उसके लिए एल की वैल्यू जो होती है वो वन होती है तो ये लीजिएगा वन वन प्लस वन एच बार इट इज द रूट टू एच बार थर्ड इज द करेक्ट आंसर 84 में 85 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ गिवन ऑर्बिटल इन मल्टी इलेक्ट्रोन स्पीसीज आपको एनर्जी का ऑर्डर पूछा है एनर्जी का जो ऑर्डर होता है वो एन प्लस एल की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है जिसके लिए एन प्लस एल की वैल्यू हाई होगी उसकी एनर्जी भी हाई होगी अगर ये वैल्यू सेम हो जाए किसी के लिए तो उस कंडीशन में जिसके लिए एन की वैल्यू हाई उसके लिए एनर्जी की वैल्यू भी हाई होगी ये लीजिएगा आपके पास ऑर्बिटल है फाइव एस फाइव पी एंड फोर डी एन की वैल्यू फाइव फाइव फोर एल की वैल्यू 6 6. तो तो जीरो अगर आप बात करोगे फाइव पी और फोर डी में तो एन प्लस एल की वैल्यू सेम है उस कंडीशन में एन की वैल्यू यहाँ पे आई है तो इसका मतलब फोर डी की कम होगी एंड फाइव पी की ज्यादा होनी चाहिए ये लीजिएगा फाइव पी सबसे ज्यादा फिर फोर डी एंड फाइव एस थर्ड इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट नंबर इफ देंथ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज हंड्रेड नैनोमीटर देन एनर्जी ऑफ द क्वान्टा विल बी ये बोला है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ हंड्रेड नैनोमीटर है तो क्वांटा की एनर्जी क्या होगी तो क्वांटा की एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा यहां पे एच की वैल्यू दे रखी है आपको प्लाइंग थ्री इंटू टेन एज टू दी पॉवर एट अपॉन हंड्रेड नैनोमीटर है फिफ्टीन हो गया टेन एज टू दी पॉवर नाइनटीन बच गया ये लीजिएगा सिक्स पॉइंट सिक्स को अगर थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइनटीन पॉइंट एट आएगा

मेरे को मोलेलिटी चाहिए तो मोलेलिटी में नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम में होना चाहिए ये लीजिए तो 20 ग्राम एनयूएच में कितना मोल हो गया हाफ मोल तो हो ही गया ये लीजिएगा क्यों एनयूएच का मोलर मास कितना है 40 तो 40 है तो इसके अगर आपको मूल कैलकुलेट करने हैं तो ट्वेंटी डिवाइड बाई मोलर मास फोर्टी इट इज द पॉइंट ओके हंड्रेड एम है तो मेरे को मास ऑफ सोलवेंट चाहिए तो डेंसिटी का यूज करें तो मास ऑफ सोल्यूशन जो आएगा वो डेंसिटी इन वॉल्यूम हो जाएगा इट इज ग्राम मास ऑफ सोलूशन जो होता है वो सोलवेंट प्लस सोल्यूट होता है तो मास ऑफ सोलवेंट जो होगा मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट इट इज द हंड्रेड ग्राम ये आ गया वैल्यू पुट करे जीरो पॉइंट फाइव डिवाइड बाई हंड्रेड ग्राम में रखा तो ऊपर थाउजेंड का मल्टीप्लाई ये लीजिएगा फाइव आ जाएगा सेकंड इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट एट एन टी पी इलेवन पॉइंट टू लीटर ऑफ अनोन गैस वेट फिफ्टीन ग्राम अनोन गैस में भी आपको एक सिंपल सी बात मालूम है मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास ये मोल का फॉर्मूला है और का फॉर्मूला ये भी होता है गिवन वॉल्यूम एट लीटर डिवाइड अगर ये दोनों के तो ये दोनों दोनों के तो इक्वल से मास 30 आया है। इसका मतलब वो गैस होगी जिसका मोलर मास कितना होना चाहिए थर्टी होना चाहिए यहाँ पे मोलर मास थर्टी सी टू एच सिक्स का है, वेट ऑफ दी वन मोलिक्यूल ऑफ दउंड ऑफ सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी थ्री फोर्टी टू जब भी अगर वन मोलिक्यूल की बात करता है तो एमयू आता है एमयू का यूनिट हो गया यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो थ्री फोर्टी टू यू हो गया ये अगर वन मोल की बात होती तो यूनिट लग जाती ग्राम ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर नाइनटीन द इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फोर इलेक्ट्रॉन इन एटम इन एटम के लिए जो है वो इनकरेक्ट सेट बोल रहा है ये, ठीक है अपन को मालूम है एन की वैल्यू जो होती है वो वन से लेके इनफाइनाइट तक होती है एल की वैल्यू जीरो से लेके एन माइनस वन एम की वैल्यू माइनस एल टू प्लस एल ठीक है और एस की वैल्यू प्लस माइनस हाफ ये देखिए यहां पे देखना फोर्थ वाले में ये जो दे रखा है ये गलत है एल की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती जीरो से लेके तक होगी तो इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन विल बी सीवल टू न्यू लेमडा होता है अगर आपको तो वेव नंबर होता है 1

87 इसका मोलर मास हो गया इट इज द 8.7 ग्राम 8.7 ग्राम MnO2 रिक्वायरमेंट था जबकि गिवन कितना है 10 ग्राम परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट कर लेते हैं है, है, 100, 8.7 ग्राम रिक्वायर्ड है सैंपल का मास 10 ग्राम है मल्टीप्लाई बाय 100 इट इज द 87% परसेंट प्योर है अगर 87% परसेंट प्योर है तो 13% परसेंट इम्प्योर हो जाएगा फोर्थ इज द करेक्ट आंसर है तो वॉल्यूम डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा नंबर ऑफ मोल के तो वॉल्यूम का रेशियो चाहिए तो वो नंबर ऑफ मोल का रेशियो आ जाएगा इक्वल मास एक्स ग्राम ले लीजिएगा मोल एक्स बाई टू एक्स बाई ट्वेंटी एट और एक्स बाई सिक्सटीन ठीक है एक्स एक्स कैंसिल हो गया यहाँ पे अगर अपन एलसीएम की बात करें तो वन हंड्रेड आ जाएगा तो इट इज द फिफ्टी सिक्स रेस फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट

एन वन की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए इसका मतलब लेमडा वन की वैल्यू जो होगी वो मिनिमम होगी फिर ये वाला लेमडा थ्री उसके बाद लेमडा टू उसके बाद लेमडा फोर तो सबसे ज्यादा लेमडा फोर होना चाहिए फिर लेमडा टू फिर लेमडा थ्री फिर लेमडा वन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ये अगर आपको एनर्जी मिनिमम चाहिए न्यू मिनिमम चाहिए लेमडा मैक्स चाहिए तो उस कंडीशन में एन वन की वैल्यू मैक्स होनी चाहिए

यहां पे देखिएगा डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन तो तीन आ गए बट इसकी स्पिन देखिएगा सेम नहीं गया ठीक है यहां पे पहले ही पेयरिंग हो गई गया यहां पे ये देखो तो तीनों में फेल हुआ है फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट 96 द टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ 0.1 मोलर बेरियम नाइट्रेट बेरियम नाइट्रेट का फार्मूला ये होता है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ आइंस की बात करेंगे तो थ्री आइंस आ रहे एक बेरियम का दो नाइट्रेट का तो पहले मूल कैलकुलेट कर लेते हैं मूल ऑफ बेरियम नाइट्रेट एम इंटू वी से पॉइंट वन इंटू वन एम एल इंटू टेन माइनस थ्री इट इज दी फोर माइनस फोर ठीक है नंबर ऑफ आइंस तो पहले नंबर ऑफ आइंस के मूल कैलकुलेट होंगे थ्री इंटू टेन नंबर ऑफ आइंस पूछ रहा है तो सिक्स पॉइंट जीरो

अगर अपन बात करें H2O का जो एक मोल का मास होता है वो 18 ग्राम होता है तो फिर एक मोल का वॉल्यूम जो होगा वो 18 ml हो जाए ये लीजिएगा ये कितने का है 1 मोल वाटर का 1 मोल वाटर बोले तो कितने का 6 10 रे टू दी पावर 23 6.02 होता है 6 10 रे टू दी पावर 23 का 18 ml है तो 1 मॉलिक्यूल का किसके बराबर होगा ये लीजिएगा 10 रे टू दी पावर -23 ऊपर चला गया

टोटल मास कितना हो गया एन ए टू सीओ थ्री का हो गया 106 18x 100, ये एक लेना पड़ेगा आपको से. अगर एक फाइव हो, तो हो जाता है ठीक है कितना थ्री हंड्रेड एटीन प्लस एक्स इट इज इक्वल टू नाइन एक्स तो ये ऑलमोस्ट हो जाएगा कितना x इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड एटीन तो यहां से x की वैल्यू जो होगी वो अप्रोक्सीमेट टेन आएगा क्योंकि तो ये थ्री था नहीं ठीक है तो ये वाली वैल्यू थर्टी सिक्स आएगा नहीं तो उस कंडीशन में अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसके पास आ जाएगी टेन के पास ओके नेक्स्ट नाइनटी नाइन द नंबर ऑफ रेडियल नोड रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है एन माइनस एल माइनस वन और एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है एल ठीक है थ्री एस के लिए बात करें रेडियल नोड की तो ये लीजिएगा एन की वैल्यू थ्री एन की वैल्यू जीरो माइनस वन इट इज इक्वल टू टू अगर बात करें किसके लिए टू पी के लिए रेडियल नोड की तो टू माइनस वन माइनस वन इट इज एंड इट फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर लास्ट प्रॉब्लम देखिएगा हंड्रेड नंबर द इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वैल्यू ऑफ ई बाई एम यहाँ पे ओनली फोर जो है वो आपको मैग्नीट्यूड चेक करना है इलेक्ट्रॉन है प्रोटोन है न्यूट्रॉन है एल्फा पार्टिकल है ये इसका चार्ज है ये इसके मास के बारे में बात करें और ये इसका Q बाई एम के बारे में बात करते हैं इसका चार्ज वन है इसका भी चार्ज वन है इसका जीरो इसका चार्ज टू यूनिट होता है मैग्नीट्यूड में बात करते हैं इसका मास वन अपन एटीन थर्टी सेवन होता है प्रोटोन का मास वन होता है न्यूट्रॉन का वन होता है इसका फोर होता है तो यहाँ पे क्यू बाई एम करेंगे तो एटीन थर्टी सेवन आएगा यहाँ पे वन आएगा यहाँ पे जीरो आएगा यहाँ पे हाफ आएगा तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का

चला जाता दर्शाता है ठीक है तो इसमें हमने क्या देखना है कि सी डबल बॉन्डो के ठीक बगल में कार्बन के पास क्या हो बेटा हाइड्रोजन ठीक है तो यहां 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 देखो सी सी डबल डबल बॉन्डो बॉन्डो नहीं है कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है यहां भी नहीं है यहां देखो सी डबल बॉन्डो इधर कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं इधर है लेकिन वहां से निकाल नहीं सकते कुछ ऐसी जगह होती है जहां होने के बावजूद भी निकाल नहीं सकते जिसमें पहला है डबल सिंगल डबल के बीच से एच नहीं निकाल सकते और एक ब्रेट रूल वाला याद करना याद है ब्रेट रूल यहां से भी एच निकाल नहीं सकते ये भी क्वेश्चन आपके सामने ऐड कर दिया यहां लेकिन यहां निकाल नहीं सकते लेकिन यहां से एच निकाल सकते हो तो पैराटोटम की वजह से ये सो करेगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पाई बॉन्ड इन का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए बस इसमें कोई खास बात नहीं है तो वन टू थ्री फोर फाइव क्लियर बोलो भाई नेक्स्ट विच कंपाउंड सो जी आई एक कारण पे सेम ग्रुप जी आई सो नहीं करेगा ये नहीं करेगा ये एल के नहीं करेगा एक कारण पे सेम ग्रुप जी आई सो नहीं करेगा यहां एच एच ये करेगा 54 कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव कायरल होना चाहिए ये देखो कायरल है शो so करेगा ये नहीं शो so करेगा 55 नंबर ऑफ कायरल कार्बन कार्बन के चारों तरफ क्या होना चाहिए बेटा डिफरेंट ग्रुप देखो यहां h br इधर ch2 इधर h एक ये हुआ एक ये हुआ ये सेम तो मैं दिख रहा है लेकिन इससे क्या जुड़ा है oh इससे क्या जुड़ा है br ये हो गया ये हो गया ये हो गया कितने हो गए 3 टू 5 बोलो नेक्स्ट मीजो मीजो कंपाउंड सिंपल साफ सुथरी बात सुन लो सिमेट्रिकल हो और कम से कम दो कार्बन हो इसमें कायरल ही नहीं है तो खत्म ये देखो कायरल है सिमेट्रिकल हो गया ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा तो ये क्या हो गया मीजो कम से कम दो कार्बन और सिमेट्रिकल हो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर शो करेगा जब पोजिशन आइसोमर क्या शो करेगा पोजिशन एलकेन पोजीशन आयोर शो करेगा कम से कम कितने कार्बन तो सी एस थ्री वन टू थ्री फोर फाइव एंड देख रहे हो वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव ये दो नंबर पे सीएस थी इसमें तीन नंबर तो ये पोजिशन आइसोमर शो करेगा कम से कम कितने कार्बन सिक्स कम से कम कितने कार्बन है सिक्स बोलो भाई तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका फिफ्टी सेवन क्लियर फिफ्टी एट क्या जो करना है नंबर ऑफ जी आई कितने कायरल एक दो तीन टू की पावर थ्री क्या आ गया एट फिफ्टी एट टू की पावर थ्री क्या आ गया एट फिफ्टी नाइन कितने कायरल ऑप्टिकल एन इक्वल टू क्या है थ्री टू की पावर थ्री बेटा क्या हो गया एट बोलो फिफ्टी सिक्स इसमें देखो कितने हैं वन आईपीसी नेम यहां नंबरिंग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अगर इसको नंबरिंग लिया तो सिक्स कीटो टू मिथाइल हेक्स हेक्स टू थ्री यहां करते डबल बॉन्ड तो यहां क्या हो गया हेक्स इन मिथाइल ऑक्सो अगर ये करते हैं रुक जाओ तब ये बात करते हैं तो इसका नाम रुक जाओ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स कीटो टू मिथाइल हेक्सेन एमाइड ठीक है हेक्सेन एमाइड बोलो तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा थर्ड सिक्स कीटो टू मिथाइल हेक्सेन एमाइड इसमें आंसर क्या हो गया थर्ड बोलो डबल बॉन्ड अगर है नहीं तो इन एमाइड का को कोई मतलब नहीं तो सिक्स कीटो ए, कीटो एक दो तीन चार पांच कीटो या ऑक्सो लिख देखते टू मिथाइल टू मिथाइल तो आंसर हो गया थर्ड नेक्स्ट चलें एक्रोलिन एक्रोलिन क्या हो गया सी एस टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच ओ वन टू थ्री प्रोप टू इन वन अल बोलो प्रोप टू इन वन अल हो गया यहां देखो वन टू थ्री फोर टू थ्री डाई मिथाइल ब्यूटेन ब्यूटा वन थ्री डाई टू थ्री डाई मिथाइल ब्यूटा टू थ्री डाईमिथाइल ब्यूटा वन थ्री डाई वन थ्री डाई हो गया ना टू थ्री पे क्या है डाईमिथाइल ब्यूटा वन थ्री डाई नेक्स्ट हा वन मीथेन वन वन अगर सीओ एच एक बार सदी को तो इसके लिए क्या लगाएंगे स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड मीथेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड या मीथेन वन वन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ये भी बात सही है हाँ इधर ये देखो कितने कार्बन है फोर और इसमें ओएच OH और सी एच है इसमें क्या है सीओ है तो ये कौन सा आइसोमर हो गया फंक्शनल आइसोमर एफ फंक्शनल है ये ठीक है स्पेलिंग सेट कर फंक्शनल आइसोमर नेक्स्ट सी एट एच के कितने बनेंगे तो याद करो हाइड्रोकार्बन की लाइन है C4 वाले के C4S10 के दो C5S12 के, के तीन C7 सेवन लेके नाइन सी सेवन उसके सेवन सी सेवन क्या लेकेट एच एन के एटीन सी नाइन एच एनसेव और सी टेन एस ट्वेंटी टू सेवनटी फाइव इसके क्या होंगे एटीन याद रखना है इसको होमोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक ये तो फ्यूरोन है हो गया ना पिरीडीन जानते ही हुँ? और ये क्या है साइक्लोहेक्सेन तो यही क्या है होमोलोगस होमो दोनों फिनॉल हो या दोनों एल्कोहल इसमें तो ये तो क्या हो गया एल्कोहल और ये हो गया फिनॉल तो ये तो नहीं है इसमें फिनॉल है और ये देखो तीन सी एस टू का डिफरेंस है तो ये होमोलोगस हो गया बोलो लॉन्गेस्ट चेन आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर लिख लो सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री सी एस टू सी सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री एक दो तीन चार पांच कितने कार्बन होंगे फाइव लॉन्गेस्ट चेन में फाइव कार्बन जी आई सेम ग्रुप नहीं करेगा एल तो के नहीं करे तो यही करेगा देखो सी एस थ्री सी एच डबल वोन एन ओ एच सेवेंटी टू कौन टिज एनओ के ठीक बगल, एन बगल में एनओ टू को ठीक बगल में कार्बन पास हाइड्रोजन हो तो आर सी एस टू एन डबल बॉन्डो ओ बोलो

इसका तो रुक दोबारा सुन लो इसको तो आपको ऐसे बनाना है एक सीधे C -L, एक सीधे कार्बन बार, पे, एक बार लो यार, हाँ? इसका बनाना है सी फाइफ एच एवन सीएल वन क्लोरो पेंटेन टू नंबर पे टू क्लोरो पेंटेन थ्री नंबर पे थ्री क्लोरो पेंटेन वन मिथाइल ब्यूटेन ब्य। वन क्लोरो मिथाइल ब्यूटेन

यहां देखो ये यह क्या है एच है Cl है इधर सेम ही आ गया नहीं करेगा ये देखो सी एच सी एल इधर ये तीन नंबर पे इधर ये ये डिफरेंट है ये करेगा ये भी नहीं करेगा कि इधर आ गया क्लियर कट नॉर्मन क्लेचर आइसोमिर आराम से पूरी एक ओवरऑलिंग बात कर लेते हैं ठीक है हुँ. इसकी बात करी गई थी तो नंबरिंग यहां से कर दी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स ऑक्सो एक्टो टू मिथाइल हेक्सेन एमाइड सिक्स ऑक्स टू कीटो डबल बॉन्ड वगैरह कहीं है नहीं तो ये दोनों ऑप्शन ही कहीं कैंसिल हो गया यहां हेक्स इनल खैर ठीक है बोलो भाई ठीक और कोई बात हाँ इसमें हेट्रोएटम इसकी कर ली तो ठीक है आईपीएसी ने इसकी वन टू थ्री फोर टू थ्री डाइमिथाइल टू थ्री ब्यूटा वन थ्री डाइन सही है तो इसकी बात एक हो गई अब नेक्स्ट आपका आएगा जीओसी उसकी आप तैयारी करना और अपने कोई दिक्कत इसमें ठीक है डियर तो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू नीट एग्जाम थैंक यू डियर